कोई जानकारी नहीं। रात को मैंने सारे चिकित्सा विभाग के जो यहाँ पे कार्यरत डॉक्टर हैं, आप जो पीएमओ हैं, सबके साथ बैठ के डिटेल चर्चा की। विधायक जी भी थे और हमने बारीकी से यहाँ कमियाँ क्या है अस्पताल के अंदर उसका अध्ययन भी किया है। जो कमियाँ हम राज्य सरकार के स्तर पर दूर कर सकते हैं उनको दूर करेंगे और जो ये अपने स्तर पर दूर कर सकते हैं वो दूर करेंगे। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर भी खुला हुआ है, कांग्रेस सरकार के समय में उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा। पिछले 5 साल में जो मशीनें वहाँ खरीद के लाई गई थी वो जंग खा रही है। तो ये जो पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा सेंटर के रूप में कांग्रेस सरकार ने किया था उसके ताले लगा के रखे। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का ट्रॉमा सेंटर विधिवत रूप से लोगों की सेवा के लिए काम में आए। इसके अलावा यहाँ पे ICU बने, इसमें ICU की स्थापना हो जाए। ब्लड बैंक यहाँ अच्छा काम कर रहा है, ब्लड की भी मात्रा है इनके पास, उसके सेपरेशन का यूनिट यहाँ पर आ जाए तो लंबे समय तक ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। दूसरी बात, ये जो MCH वार्ड है इसमें 24 आवर्स महिलाओं के लिए पर्ची सिस्टम यहीं कटे, एक सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर यहाँ ज़रूरत है, उसकी मशीनें 2 यहाँ मौजूद हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करके जल्दी यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन भी यहीं पे लग जाएगी। तो ये MCH से रिलेटेड काम तो सारा यहीं हो जाएगा। और रहा स्वाइन फ्लू के बारे में, स्वाइन फ्लू के वार्ड का भी मैंने निरीक्षण किया है, एक बच्चा अभी एडमिट है यहाँ और यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। टेमीफ्लू सब जगह अवेलेबल है और वेंटिलेटर्स भी यहाँ वर्किंग है। अभी सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर से उनको कनेक्ट किया हुआ है और बाहर भी अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा हुआ, आपने अस्पताल में घुसने से पहले देखा होगा। तो जो व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, मेरा दौरे पे आने का कारण यही है, 1 महीना सरकार को बने हुए हुआ है और हम यहाँ फील्ड में हैं आपके सामने। मैं पूरे पश्चिमी राजस्थान के, ये 3रा जिला है अभी, जैसलमेर से बाड़मेर जाऊँगा, हमारे अधिकारी जो डिपार्टमेंट के वरिष्ठ हैं वो जालौर, सिरोही, उदयपुर, दुंगापुर सब जगह इस टाइम फील्ड में है। तो निर्देश भी यही है कि बराबर CMHO हो चाहे BCMO हो, सब बराबर दौरे करते रहें और चिकित्सा व्यवस्था चाक चौबंद रहे राजस्थान के अंदर। हमारी गलती से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं।